प्रवीण भाई जरा फटाफट हाथ चलाओ जो। हाँ बोलिए बोलिए माय डियर चाचा जी। अरे सुबह 10 बजे तूने पूरी सोसाइटी को बुलाया क्लब हाउस में। आपको किसने बताया? अरे जिसने भी बताया हो पूरी सोसाइटी को क्यों बुलाया तूने? वो तो 10 बजे आप क्लब हाउस में आएंगे ना तो आपको पता चल जाएगा। तू एक काम कर, तू अभी के अभी यहाँ घर पे आ जा। मुझे यहाँ बहुत काम है माय डियर चाचा जी। हाँ भले काम हो, मुझे सिर्फ 5 मिनट बात करनी है तुझसे। तू और टप्पू अभी कभी आ जाओ। मैं और टप्पू दोनों अभी नहीं आ सकते, दोनों में से कोई एक आ सकता है। आ तो तू आ जा। जीव नंग है ये साला मेरा। हाय गुड मॉर्निंग जेठा जी। अरे गुड मॉर्निंग बबीता जी, गुड मॉर्निंग अय्यर भाई, गुड मॉर्निंग। सो सॉरी आपको सुबह सुबह डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? अरे नहीं, कैसी बात कर रहे हैं बबीता जी, बैठिए बैठिए ना, बैठिए ना। नहीं नहीं जड़ालाल बैठना नहीं है, फिर 10 बजे क्लब हाउस भी तो पहुंचना है। अरे जड़ालाल सुंदर लाल किधर है? तो सुंदर का काम है वो, काम मतलब वो एक्चुअली मैंने सुंदर भाई के लिए रसगुल्ले बनाए थे तो मुझे उनको देने थे। सुंदर के लिए आपने रसगुल्ले क्यों बनाए? क्या मतलब? नहीं मतलब सुंदर के लिए आपने क्यों तकलीफ ली? अरे इसमें तकलीफ की क्या बात है? जयडालाल तुम्हारा साला है? नहीं मतलब तुम्हारा रिलेटिव हमारा रिलेटिव है ना, वो फिर हम सब एक परिवार है ना। बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली। कहाँ है सुंदर भाई? सुंदर हाँ वो अपना वो क्लब आउट में वो सरप्राइज की तैयारी कर रहे हैं। वाह 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 जयदा लाल क्या बात है, कितना लकी है तुम कि तुमको सुंदर लाल जयदा ताला मिला। क्यों आपको क्यों अच्छा लग रहा है? अरे तुमको सरप्राइज देने के लिए वो कितना मेहनत कर रहा है। आपको पता चल गया सरप्राइज क्या है? सरप्राइज है पहले से कैसे मालूम पड़ेगा? जयदालाल तुम भी बिल्कुल करेक्ट बोला यार भाई आपने, सरप्राइज थोड़ी ना पहले ही बताई जाती है। पर माइंड ये जीजा जी कि मानते नहीं, बोलते कि पहले ही बता दो सरप्राइज क्या है। आप लोग भी आ रहे हो ना क्लब हाउस में 10 बजे? ऑफ कोर्स। सुंदर भाई मैंने आपके लिए रसगुल्ले बनाए। आपने बनाए? ओ मैड ये लो इतने सारे? आपके फ्रेंड्स भी तो है ना? थैंक यू बबीता जी, थैंक यू वेरी मच। मोस्ट वेलकम। चलिए तो हम लोग चलते, मिलते फिर 10 बजे। श्योर पहुंचे। बाय 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 बबीता जी। ओके बोले माय डियर जीजा जी। अरे तू बोल क्या सरप्राइज क्या है? तो ये जानने के लिए आपने मुझे यहाँ पे बुलाया? हाँ। ये लेकिन सरप्राइज जानने के लिए आप इतने अधीर्य क्यों हो रहे हो? क्योंकि भाई मैं नहीं चाहता हूँ कि 10 बजे मैं क्लब हाउस में आऊँ और तेरी सरप्राइज देख कर मुझे जोरदार शौक लगे। अरे नहीं नहीं माय डियर जीजा जी, आपको कोई शौक नहीं लगेगा। मैंने सरप्राइज का ऐसा इंतजाम किया है कि सरप्राइज देखते ही आपकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाएंगे। अरे भाई आंसू तो तेरा नाम सुनते ही आ जाते हैं, सिर्फ खुशी के नहीं होते हैं। सच? आप मुझे इतना प्यार करते हो? ये हाँ बोल रहे हो क्या ना? भाई ये बताने सरप्राइज क्या है? जीजा जी वो तो आपको 10 बजे ही पता चलेगा। जीजा जी आप सरप्राइज जानने में टाइम मत बिगाड़िए, जाइए आप फटाफट तैयार हो जाइए, जाइए। देख अगर तू मुझे नहीं बताएगा ना सरप्राइज क्या है तो मैं नहीं आऊंगा। नहीं आओगे? कोई बात नहीं, उसमें आपका ही नुकसान है। अरे तेरी सरप्राइज उसमें मेरे नहीं आने से मेरा बुरा कैसे दिखेगा? अरे माय डियर जीजा जी सरप्राइज आपके लिए है, और अगर आप ही नहीं आए तो गोकुल धामवासी आपको पूछेंगे कि आप क्यों नहीं आए, तो आप क्या बताएंगे कि मैंने आपको सरप्राइज नहीं बताई इसलिए आप नहीं आए? अरे गोकुल धामवासी आप पर हंसेंगे कि सरप्राइज थोड़ी ना पहले से बताई जाती है। अरे देखिए तू अभी तक तैयार नहीं हुआ। देखो ना बापूजी आप समझाइए ना माय डियर जीजा जी को, वो मैंने सारी तैयारी कर दी है, पूरा गोकुल धामवासियों को इनवाइट कर दिया है, और माय डियर जीजा जी कह रहे हैं कि वो नहीं आएंगे। अरे क्या नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? अरे यहाँ सुंदर ने तेरे लिए इतनी अच्छी सरप्राइज तैयार की है और तू ना बोल रहा है, जा बड़ा बड़ा तैयार हो जा।
दस बजे से पहले तू मुझे तैयार चाहिए। सुंदर बेटा मैं भी फटाफट तैयार हो जाता हूँ। हाँ। ये रसगुल्ले लेके क्यों घूम रहा है? ये बबीता जी ने खुद मेरे लिए बनाया है। अच्छा चलो भी खड़ा के जा फटाफट तैयार हो। जीजा जी एक काम कीजिए ना, इसे फ्रिज में रख दीजिए ना, और सुनिए आप फटाफट तैयार हो जाना और फटाफट क्लब हाउस में पहुंचना। मैं निकलता हूँ, सरप्राइज आपका इंतजार कर रहा है। ये बापूजी भी ना अभी जाना ही पड़ेगा, मजा आ जाएगा। मोटी कमर ए, रुक रुक भागता किधर है डरपोक? Yeah!